नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस से बचाव बहुत जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन इस कोरोना वायरस के काल में भी कई सारे पेशेंट, सैकड़ों पेशेंट, हजारों पेशेंट्स किडनी के जो थे, आज इसी कड़ी से आपको एक और पेशेंट से जुड़ाएं मिलवाएंगे, जानेंगे उनसे क्या क्या समस्याएं हो रही थी और अब कैसे कैसे उनको आराम हुआ है। क्या नाम है आपका? प्रशांत कहाँ के रहने वाले हैं? जलंधर, पंजाब से। जलंधर से। प्रशांत, जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत हो रही थी आपको? तब स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती थी और थोड़ा हार्ट भी तेज हो जाती थी। चलने फिरने में जो ज़्यादा दिक्कत आती थी, अब ये दिक्कत नहीं आती चलने चलने फिरने में, और अब धड़कन बिल्कुल नहीं बढ़ती। पहले आप बता रहे थे थोड़ा बहुत भी वॉक करते थे, मूव हाँ करते थे, जी, हार्ट बीट फास्ट हो जाती थी इस जो वजह से। सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता था मैं, सीढ़ियाँ रुक रुक कर चढ़ पाता, बस सीढ़ी कभी उठता नहीं, पूरे ऐसे से चढ़ने एक दिन पहले इसके स्वेलिंग हो जाती थी, पूरे बॉडी में स्वेलिंग हो जाती थी, बहुत सांस बहुत ठंड उठा रहा, अभी 2 मिनट में सांस नहीं कभी बोला। था। इंटरनली इसको अभी इतना फील हो रहा है कि मैं इंटरनली फिट हूँ अभी थोड़ा बहुत, तो अभी स्टार्ट किया मैं। तो फिजिकली मतलब ठीक महसूस कर रहे हाँ हो, जी मेंटली भी ठीक, मेंटली भी फिट महसूस जी कर सर। रहे हो। आप मैं ब्रदर हूँ सर। ब्रदर हैं तो आप साथ में रहते हैं, आप भी देख रहे होंगे पहले और हमें बिल्कुल कितना इसको आराम सर, आया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल पॉजिटिविटी आ रही है अंदर इसके। पहले लेटने में बड़ी दिक्कत आती थी, अब लेटने में इतनी कोई दिक्कत आती, मैं सोता ही नहीं था लेट के, कभी कभी डायलिसिस लेटने की इतनी सोता। नीड नहीं होती, जैसे इसके ट्यूसडे डायलिसिस होती है, इतनी नीड नहीं होती कि आज कंपल्सरी करानी ही करानी है बॉडी जैसे मेरे कल इसकी। डायलिसिस थी, मैंने डायलिसिस कराई नहीं, ऐसे ही आ गई। पर अभी को मेरे को अभी तक की कोई लग नहीं रहा, मैंने डायलिसिस नहीं कराई, बस स्टार्टिंग आ चुकी। जलंधर से आ गए हो यहाँ पर बिना डायलिसिस कराए, वो भी बहुत बड़ी चीज है, जी और पहले स्वेलिंग वगैरह बहुत ज्यादा हो रही थी, वो तो अभी आप ट्रैवल करके आए हो थोड़ी बढ़ गई होगी इस टाइम, जी सर। लेकिन अदरवाइज तो अभी आप यूरिन घर रिपोर्ट भी पे। बहुत अच्छी है, थोड़ी यूरिन रिपोर्ट भी अच्छी है। यूरिन रिपोर्ट पहले तो बाथरूम बिल्कुल नहीं जाता, अभी हाँ बाथरूम आना शुरू हो गया यूरिन होगा। आपको करा, वेरी गुड, जी सर। बहुत अच्छी बात है। ये पेशेंट प्रशांत है, डायलिसिस इनका चल रहा था, ना केवल डायलिसिस रिड्यूस हुआ है, फिजिकली इज फीलिंग मच मच बेटर नाउ। स्वेलिंग वगैरह थी वो भी रिड्यूस हुई है इनकी, हार्ट बीट बढ़ जाती थी, यूरेमिक सिम्टम्स बहुत पीक पर थे वो सारे रिड्यूस हुए हैं, और बाकी सब चीज़ों में भी इनको फिजिकली भी फिट कर रहे हैं, फिजिकली और मेंटली दोनों चीज़ें दोनों तरीकों से ये फिट हैं बिल्कुल। ऐसे भी लग रहा है कि किडनी पेशेंट जैसे मेंटली भी बहुत डाउन हो जाते हैं, तो वो जी भी सर, बहुत जरूरी है, अभी मेंटली नहीं भी हो रहा, फिट रहे। इतना ही हो रहा सर, पहले डायलिसिस एक दिन पहले दिक्कत काफ़ी हो जाती थी काफ़ी बहुत सर, ज्यादा सर। और कभी कभी तो डायलिसिस पहले टाइम से पहले ही जाना पड़ता था घर तो एमरजेंसी। भी इमरजेंसी के नेबुलाइजर यूज करना पड़ता था, अभी वो उसका कोई है जिस वो डेरिफेलिन लगाने अभी कुछ नहीं, अभी जो डायलिसिस के जो डायलिसिस होती है ड्यूज होती है, जैसे सपोज ट्यूसडे कल हमारी डायलिसिस थी, अभी इसको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं अभी आ रही इतनी कि अभी तक डायलिसिस नहीं, अभी कल जाके हम मॉर्निंग जाएंगे जलंधर में तो कल कराएंगे डायलिसिस। ऑटोमेटिकली डायलिसिस तो इसका रिड्यूस हो ही गया बिल्कुल क्योंकि इसको फिजिकली भी फिट है और रिपोर्ट्स में भी इम्प्रूवमेंट है और पहले से ही इस बिल्कुल फीलिंग सर, मच बेटर, तो बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है प्रशांत। आगे भी आपको और अच्छी रिकवरी आएगी, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू फॉलो एवरीथिंग, जैसे ऐसे बता रहे हैं वैसे फॉलो भी करना। तो प्रशांत है जलंधर पंजाब से, पहले दिक्कत हो रही थी, समस्याओं से जूझ रहे थे और अब सभी समस्याओं में इनको आराम मिला है, A to Z जितनी समस्याएं थी वो सारी इसको आराम मिला है किडनी से रिलेटेड, और साथ साथ डायलिसिस भी रिड्यूस हुआ है, स्वेलिंग रिड्यूस हुई है, हार्ट बीट बढ़ जाती थी, सीढ़ियां नहीं चढ़ जाती थी, वो सब चीजों में इसको आराम मिला है। कर्म आयुर्वेदा ये सिद्ध कर चुका है कि किडनी का इलाज जो है वो संभव है, सैकड़ों की संख्या में ऐसे पेशेंट आज जुड़ चुके हैं और आज उसमें एक जलंधर पंजाब से पेशेंट और जुड़े हैं जिनका नाम है प्रशांत। क्या मैसेज देना चाहोगे प्रशांत क्लोजिंग में किडनी के पेशेंट्स के लिए, जैसे आपको दिक्कत आ रही थी ऐसे बहुत अनेक पेशेंट और हैं, उनके लिए कुछ शॉर्ट मैसेज आप देना चाहें? बस यही है कि नहीं फर्क पड़ एलोपैथी रहा में आपको, ज्यादा जाना नहीं, आयुर्वेद में आता हूँ कुछ है। ये आपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हो, ठीक है, जब से आए हो आयुर्वेद में कोई उसका है ही नहीं, इलाज ही नहीं है। वो कह एलोपैथी रहे थे कि ट्रांसप्लांट अब करो कल करो, कराना ट्रांसप्लांट ही पड़ेगा। अच्छा, अभी कुछ ना कुछ उम्मीद लग रही है आयुर्वेद की, आपकी कर्म आयुर्वेद से मेडिसिन खाई और उम्मीद लग रही है कि मैम प्रॉपर फिट हो जाएगा पेशेंट मैम। वो बस मेडिसिन देते हैं कैल्शियम की होगी, बीपी का भी बस, और पूछें किडनी की कोई मेडिसिन नहीं सुना, बेसिकली किडनी की मेडिसिन के लिए तो आयुर्वेदा में आने पड़ेगा। ट्रांसप्लांट बताया था उन्होंने, ठीक है, बहुत अच्छे इनको रिजल्ट भी आए हैं। स्टॉप किडनी डायलिसिस।
हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 0987171205 0114264427। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।